जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, आज हम बात करने वाले हैं सूचना सहायक जो भर्ती है वो आपकी क्या कोर्ट में जाने वाली है, और दूसरी बात करेंगे कि कितने प्रश्न हैं, कितने क्वेश्चन हैं जिन पर ऑब्जेक्शन लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज इन दोनों पॉइंट को लेकर के हम चर्चा करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं दीपक डागोर आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। दोस्तों देखिए, इसमें कम से कम 13 से 14 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगेंगे। ठीक है, अब मैं आपको कोई हवाबाजी वाली बात नहीं करूंगा, क्योंकि जब आपके एग्जाम हुआ था 21 जनवरी को, उसके बाद में कोचिंग वालों ने आंसर की डाली थी। ठीक है, और आंसर की भी उन्होंने शाम को डाली थी, लगभग 9-10 बजे के करीब डाली थी। पूरा दिन हो गया उनको, वो खुद क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि दोस्तों आपको भी पता है ये वही कोचिंग वाले हैं जो कि कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में इनसे खुद के सब्जेक्ट का, इनसे अपना खुद का पेपर पास नहीं हुआ था, और इन्होंने आंसर की डाली अब सूचना सहायक की। पेपर कोई इतना ज्यादा हार्ड नहीं था, लेकिन फिर भी कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो डाउट में आ रहे हैं। अब या तो हम कह सकते हैं कि कोचिंग वालों ने गलत कराए हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो अधीनस्थ बोर्ड है उसके द्वारा जो आंसर की दी गई है उसमें ये क्वेश्चनों को गलत दिया गया है। अब आपको तय करना है, अगर मेरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन होते, राजस्थान हिस्ट्री कल्चर के क्वेश्चन होते, तो दोस्तों मैं आपको 101% सत्य सत्य बता देता कि इसमें यह आंसर सही रहेगा, इस पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। लेकिन मैं दूसरे सब्जेक्ट के बारे में बिल्कुल भी चर्चा नहीं करूंगा, जो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेरा टीचिंग सब्जेक्ट नहीं है, उसके उस सब्जेक्ट पर मैं बिल्कुल भी चर्चा नहीं करूंगा कि इसका आंसर क्या होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं बताऊंगा मैं। आपको खुद को करना है, किसी पढ़े लिखे और जो आपका एक एजुकेटेड जो टीचर है उससे जाकर के उन क्वेश्चन को वेरीफाई करना है। चाहे आप कंप्यूटर की बात कर लीजिए, चाहे आप रीजनिंग की बात कर लीजिए, चाहे आप मैथ की बात कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आंसर की मैंने दो दो कोचिंगों की आंसर की देखी है दोस्तों, और दो कोचिंग में एक कोचिंग ने तो 3500 कंप्यूटर अनुदेशक में सिलेक्शन दिए थे, और एक कोचिंग वाले ने 3000 में। ठीक है, मैं मेनली इन दो कोचिंग जो कि जयपुर की बहुत बड़ी संस्था है, इन दो कोचिंगों की बात कर रहा हूं, इनकी जो आंसर की है उसके ऊपर मैं बात बता रहा हूं। इन्होंने जो आंसर बताए हैं और बोर्ड ने जो आंसर अपनी आंसर की जो जारी की है, उन दोनों में अंतर है। चाहे वो आप मैथ का क्वेश्चन ले लीजिए, चाहे रीजनिंग का ले लीजिए, चाहे कंप्यूटर के ले लीजिए, ठीक है, उनमें अंतर है। ठीक है, अब यह मत सोचना कि ये तो 6500 हो गए यहीं पर। ठीक है, 6500 सिलेक्शन कैसे हो गए? तो भैया अभी तो और भी हैं, एक कोचिंग वाला है उसने तो 4000 सिलेक्शन दिए थे। ठीक है, एक है वो 2500 दिया था, दो कोचिंग वाले हैं उन्होंने 3000 सिलेक्शन दिए थे। ठीक है, तो इस हिसाब से तो कम से कम 15-16000 सिलेक्शन हुए थे कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में। ठीक है, तो इन चीजों पर ध्यान नहीं देना है आपको, कहीं मेरे कोई गलत साबित कर दो कि ये क्या बता दिया दीपक भाई। ठीक है, हम चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। अब देखिए, इसमें मेरा भी कोई दोष नहीं है, आपका भी कोई दोष नहीं है, यह सारा का सारा जो दोष है वो आपके अधीनस्थ बोर्ड का है, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड क्या है, स्टूडेंट से कमाई करता है, इसीलिए कभी किसी भी तरीके की आंसर की बना देता है। और दूसरी चीज क्या है, अब आप बड़े कंफ्यूज होने वाले हो, ठीक है, क्योंकि आप जिन संस्थाओं से पढ़े हैं, जिन कोचिंग से पढ़े हैं, उन्हें खुद नहीं पता कि इसका आंसर सही क्या होगा। ठीक है, उनके पास में ऐसे कोई ऑथेंटिक वो नहीं है कि वो आपको क्लियर कर सके, लेकिन फिर मैं कोशिश यही करूंगा, आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आप कैसे भी करके किसी अच्छे टीचर से उन क्वेश्चन को एक बार वेरीफाई जरूर कर लेना ऑब्जेक्शन लगाने से पहले। ठीक है, अधीनस्थ बोर्ड ने 21 जनवरी को आपका एग्जाम लिया था, 21 जनवरी के बाद में आपके कल आंसर की जारी कर दी है, कल यानी कि आपके 3 फरवरी को आंसर की जारी कर दी है। जैसा कि हमने वीडियो डाल करके पहले आपको बताया अभी तक, कि लगभग 5 तारीख तक आपकी आंसर की आ जाएगी, और वो 3 तारीख को दे दी है। 5 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक, यानी कि 5 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, और एक क्वेश्चन का चार्ज किया जाएगा 100 रुपए। ठीक है, तो इस तरीके की विशेष जानकारी के लिए आप अधीनस्थ बोर्ड की जो ऑफिशियल साइट है वहां पर जाकर के पूरी चीजें चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपके लिए यहां पर कुछ चीजें बना रहा हूं, आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हो आप, और कोचिंग वालों ने उसके आंसर क्या बताए हैं, और अधीनस्थ बोर्ड ने उसका आंसर क्या बताया है। ठीक है, तो दोस्तों साइड में आपको क्वेश्चन दिखेंगे, और यहां पर एक मैंने एक डायग्राम सा बना दिया है, इसमें हम बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर जो कि आपका मास्टर पेपर है, ध्यान रखना है जो मास्टर पेपर है, यानी कि अधीनस्थ बोर्ड ने जो ऑफिशियल साइट्स पर आपका पेपर डाला है उसके क्वेश्चन नंबर के अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे। तो यहां पर तो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर यानी कि QN, ठीक है, और यहां पर हो जाएगा आंसर की, ऑफिशियल जो आंसर की है, ऑफिशियल आंसर की, आंसर की, ठीक है, उसका आंसर हो जाएगा, और यहां पर जो आपके कोचिंग, ठीक है,
COA ऐसे कर लेते हैं कोचिंग आंसर की, ठीक है। उसने कौन कौन से आपके आंसर बताए हैं उस तरीके से हम चर्चा करेंगे। तो लाडो सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन नंबर आता है वो है आपका 8, ठीक है। मास्टर पेपर में जो आपका क्वेश्चन नंबर है वो आपका 8 नंबर, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन आपको बगल में दिख रहा होगा स्क्रीन पर, किसी आंकड़े को ग्राफीय निरूपण करना एक्सेल का मुख्य गुण है, इसे पहचानने तथा चित्र में नीचे दिखाए ग्राफ को किस नाम से इंगित किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, यानी कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये आपका 8 है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। और इसका जो ऑफिशियल आंसर की में क्वेश्चन जो बताया गया है, ऑप्शन बताया गया है वो है सी, ठीक है। यानी कि ग्राफ और बार, क्या बताया गया है ऑफिशियल आंसर की में, ग्राफ और बार इसका आंसर बताया गया है, जबकि कोचिंग के द्वारा एक ग्राफ और कॉलम यानी कि इसका डी ऑप्शन सही माना गया है, ठीक है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपको क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख ही रहा है आपको, ठीक है। 8 नंबर का क्वेश्चन ऑफिशियल आंसर की में इसका सी आंसर सही माना गया है, यानी कि ग्राफ और बार, जबकि कोचिंग के द्वारा माना गया है इसमें ग्राफ और कॉलम, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। 15, मायोपिया किस दोष का दूसरा नाम है, मायोपिया किस दोष का दूसरा नाम है, 15वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। और इसमें जो अधीनस्थ बोर्ड ने जो आंसर माना है, सही आंसर माना है, वो माना है बी, क्या माना है बी, ठीक है। जबकि कोचिंग वालों के अनुसार जो इसका सही आंसर बताया गया है वो सी बताया गया है, कौन सा सी बताया गया है, ठीक है। ये इसके बाद में एक अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान रखना है दोस्तों, इन क्वेश्चन पर जब आप ऑब्जेक्शन लगा रहे हो, मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं इन पर ऑब्जेक्शन लगाने से पहले इतना जरूर ध्यान रखना, किसी अच्छे टीचर से आपका मैथ रीजनिंग और कंप्यूटर वाले जो पार्ट हैं उनमें मेनली आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, तो किसी अच्छे टीचर से एक बार वेरीफाई कर लेना कि वास्तव में जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें ये क्वेश्चन सही है नहीं है, ठीक है। और जो आंसर की डाली है 2-3 बड़ी कोचिंग है उनसे, तो उनके टीचरों से तो बिल्कुल ही ना करना, ठीक है, क्योंकि वो तो पहले ही जब 10 घंटे में आपको सही आंसर नहीं दे पाए, ठीक है, तो कहां से दे पाएंगे भाई साहब। जब आंसर की जारी होती है तो पता है आप इसका मतलब क्या होता है, यानी कि पेपर हुआ, ठीक है, पेपर होते ही जैसे ही पेपर हाथ में आया और तुरंत आंसर सॉल्व करा देना, ठीक है। मेरा शेड्यूल लगा हुआ था, अगर आपको याद हो तो, सूचना सहायक का जब मैं पेपर हुआ था 1:15 का या 1:20 का, लगभग 1:15 का मैंने शेड्यूल लगाया था कि मेरे सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन आएंगे, मैं सेंटर पहुंचा था, सेंटर पे ही था, मैं पूरा सेटअप लेके गया था, मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड करके और वहीं की वहीं लाइव लगाया था मैंने, वहीं की वहीं अपन जो पेपर है उसको सॉल्यूशन करके डाल देंगे, ठीक है। लेकिन राजस्थान हिस्ट्री कल्चर के क्वेश्चन आए ही नहीं और इसी वजह से मैं कोई भी आपका सॉल्यूशन नहीं कर पाया था, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, आप खुद देख लीजिए, 10-10 घंटे में जब आंसर सही नहीं दे पा रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, 18 का जो अधीनस्थ बोर्ड ने आंसर सही माना है वो डी ऑप्शन सही माना है, जबकि कोचिंग वाले बता रहे हैं कि इसका बी आंसर सही होगा, कौन सा बी आंसर सही होगा, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 आता है, 22 नंबर क्वेश्चन में अधीनस्थ बोर्ड ने ए ऑप्शन सही माना है, ठीक है, ए ऑप्शन सही माना है। और जो कोचिंग वाले हैं, कोचिंग वालों के अनुसार इसका जो आंसर है वो सी सही होगा, ठीक है, 22 नंबर हो गया। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है, 28 क्वेश्चन है, विच ज्योमेट्रिकल फिगर प्रेजेंट्स फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ऑफ एन एल्गोरिथम, ठीक है। मैं इसका अपनी तरफ से कोई भी आंसर नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है, क्योंकि अगर मैं आंसर बताऊंगा इनके तो फिर वही बात हो जाएगी कि एकलव्य ने जिस तरीके से मछली की आंख में और तीर घुसेड़ के वो अपना लक्ष्य भेद दिया था उसने, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि एकलव्य ने थोड़ी किया था, ये तो अर्जुन ने किया था, बिल्कुल सही कह रहे, लेकिन बात वही हो जाएगी क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, और ये फिर मेरा सब्जेक्ट नहीं है तो ऐसा ही होगा आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी कि एकलव्य और मछली की आंख में तीर मार रहा है, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों 28 नंबर जो क्वेश्चन है इसका ऑफिशियल जो आंसर माना गया है वो डी माना गया है, ठीक है, डी माना गया है, यानी कि समांतर चतुर्भुज माना गया है, लेकिन कोचिंग के अनुसार इसका जो आंसर है वो सी सही माना गया है, ठीक है। अब इधर उधर इनमें उलट पुलट मत हो जाना, ये ऑफिशियल आंसर की है और ये वाले कोचिंग के जो आंसर बताए गए हैं वो है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर है 34, ठीक है, 34 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, यूजर डिफाइंड फंक्शन इन सी आर रिटन यूजिंग द कीवर्ड, ठीक है,
अब इसमें डिफाइन है कैपिटल डी दिया हुआ है, फिर डेप दिया हुआ है और कैपिटल डेप दिया हुआ है, ठीक है। तो लाड़े लो ऑफिशियल आंसर की में तो इसका आंसर माना गया है सी, क्या माना गया है सी, जबकि दोनों मैंने दो तीन कोचिंग वालों की जो आंसर की देखी है उन्होंने जो पेपर सॉल्यूशन कराया था उसमें इन्होंने कहा था कि ये क्वेश्चन डिलीट होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन डिलीट होगा, यानी कि इसके चारों ही ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। तो बाकी अधीनस्थ बोर्ड ने तो माना नहीं है, अधीनस्थ बोर्ड ने अपनी तरफ से इसका आंसर चेप दिया है, यहां पर क्या है अधीनस्थ बोर्ड की तरफ से भैया इसका आंसर है सी, कौन सा आंसर है सी, ठीक है। इसके बाद में एक क्वेश्चन आता है 41 और 41 के बाद में आता है 68, ठीक है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 41, फाइंड द मिरर इमेज ऑफ, यानी कि दर्पण चित्र ज्ञात कीजिए, ये वाला क्वेश्चन था। अब जो भाई रीजनिंग के जो मानुभाव हैं उनके द्वारा एक क्वेश्चन डिलीट बताया गया है कि यानी कि इस तरीके का कोई भी चित्र नहीं बन रहा है, ठीक है। लेकिन अधीनस्थ बोर्ड ने जो इसका आंसर माना है वो सी सही माना है, क्या माना है सी, इसका आंसर सही माना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है 68 स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन जो है वो दिख रहा होगा और काफी बड़ा क्वेश्चन है, पब्लिक क्लास पर्सन और ये पूरे एक दिया गया है इस तरीके से, और अधीनस्थ बोर्ड ने जो इसका आंसर सही माना है वो डी माना है, यानी कि नन ऑफ दीज, ठीक है। लेकिन कोचिंग के द्वारा जो इसके आंसर बताया गया है वो ए बताया गया है, यानी कि इसमें पब्लिक जो है वो सही माना गया कोचिंग के द्वारा, ठीक है, जबकि अधीनस्थ बोर्ड ने इसमें डी ऑप्शन सही माना है, ठीक है। आपको ये डायग्राम भी दिख रहा होगा और उधर आपको क्वेश्चन भी दिख रहे होंगे। 68 के बाद में अगला क्वेश्चन आता है 80 नंबर का क्वेश्चन है, 80 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, कन्वर्ट द फ्रैक्शनल नंबर 0.10112 डेसिमल, चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरीके का एक क्वेश्चन दिया हुआ है और ये दो कोचिंग वालों का मैंने देखा था दोनों ने अलग अलग तरीके से करा रखा था, और अधीनस्थ बोर्ड ने इसका जो आंसर माना है वो सही माना है बी, और कोचिंग वाले की अगर बात करें तो उन्होंने सी आंसर इसको सही माना है, ठीक है। यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 80 और 80 के बाद में एक अगला क्वेश्चन आता है 82, ठीक है। 82 देव इज वर्किंग ऑन एक्सेल एक्सेल सीट, ही एंटर्स ए फॉर्मूला एज शोन इन द फिगर गिवन बिलो, ठीक है। तो ये आपको जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ डायग्राम में साइड में दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इसका जो सही आंसर माना गया है अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा वो ए ऑप्शन सही माना गया है, यानी कि एक्सेल विल डिस्प्ले द सेम आउटपुट फॉर ईच फॉर्मूला इन ईच रो, ठीक है। लेकिन कोचिंग वालों के अकॉर्डिंग इसका जो आंसर है वो एक्सेल विल डिस्प्ले डिफरेंट आउटपुट फॉर ईच फॉर्मूला, ठीक है। तो यानी कि इसका जो बी ऑप्शन है वो कोचिंग वालों के द्वारा सही माना गया है। ये आपका 80 और 82 क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद में एक अगला क्वेश्चन आता है 89 में आपके दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट सिमरत हैज टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ ऑनलाइन साइट्स विच कैन फर्दर बी यूज्ड बाय ए स्टूडेंट फॉर प्रिपेयरिंग ए रिसर्च पेपर ऑन द इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, विच फीचर ऑफ वर्ड इज द बेस्ट सुइटेबल टू प्रिपेयर द लिस्ट, ठीक है। तो एक वर्ड डॉक्यूमेंट तैयार करना है उसको रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसका जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें जो ऑप्शन माना गया है वो ए सही माना गया है, यानी कि लिंकिंग, लेकिन कोचिंग के अनुसार जो इसका आंसर बताया गया है वो बी बताया गया है, यानी कि बुलेट्स, ठीक है। इस तरीके का एक क्वेश्चन सॉल्व करके उन्होंने बताया है। दोस्तों एक चीज आपसे जरूर कहेंगे कि जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और चैनल को कर देना भाई सब्सक्राइब, ठीक है। हाँ, क्योंकि अभी इस पर भी चर्चा करेंगे हम, कोई भर्ती जो है वो कोर्ट में जाएगी कि नहीं जाएगी इसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। चलिए साहब, इसके बाद में 89 हो गया, फिर आपका क्वेश्चन आता है 99, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 99, ठीक है। 99 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, यू आर द गिवन बिलो ए क्वेश्चन फॉलोड बाई टू स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, यू हैव टू डिसाइड वेदर द डाटा प्रोवाइडेड इन द स्टेटमेंट इज ऑल सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके का काफी बड़ा आपका क्वेश्चन दिया गया है, इसमें जो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा आंसर माना गया है वो सी माना गया है, यानी कि इफ डाटा इन बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टूगेदर द नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन,
ठीक है, तो ये सी वाला ऑप्शन सही माना गया है, लेकिन कोचिंग वालों के अकॉर्डिंग इसका जो आंसर है वो उन्होंने डी बताया है। इसका क्या बताया है? डी बताया गया है, इफ डाटा इन बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड जो डी वाला ऑप्शन है वो उन्होंने इसका सही आंसर माना है। और अंतिम जो क्वेश्चन है, यानी कि इस तरीके से 13 क्वेश्चन हो जाते हैं दोस्तों, कितने 13 क्वेश्चन हो जाते हैं इसमें, अंतिम जो क्वेश्चन है वो 124, ठीक है, आप मास्टर पेपर से मैच कर सकते हैं। 124वां क्वेश्चन है, यू आर द गिवन बिलो ए क्वेश्चन फॉलोड बाई टू स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, यू हैव टू डिसाइड वेदर द डाटा प्रोवाइडेड इन द स्टेटमेंट इज आर डिफरेंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, इसमें जो आंसर बताया गया है ऑफिशियल आंसर की में, वो बी ऑप्शन सही माना गया है, यानी कि बी ऑप्शन है आपका, इफ डाटा इन स्टेटमेंट सेकंड एलोन इज सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, यदि केवल कथन सेकंड में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, यह माना गया है, लेकिन कोचिंग वालों के अनुसार इसके लिए दोनों ही, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों ही होने चाहिए, उन्होंने इसका आंसर इस तरीके से बताया है। तो दोस्तों ये आपके कुल 13 क्वेश्चन है, ठीक है, 13 क्वेश्चन है जिन पर ऑब्जेक्शन बनने के चांस है, इस क्वेश्चन आपके स्क्रीनशॉट पर स्क्रीन पर चलते ही रहे थे। अब यहां बात आती है दोस्तों कि अगर अभी बोर्ड ने ऑब्जेक्शन मांगे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्शन बोर्ड ने ऑब्जेक्शन मांगे हैं, ऑब्जेक्शन फिल करने की आपकी डेट है 5 से 7 फरवरी, ठीक है, 5 से 7 फरवरी, आप ऑब्जेक्शन लगाएंगे कितने क्वेश्चन पर लगाएंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हो सकता है आप ये 13 लगाओ, और भी हो सकता है कि आपको कुछ और क्वेश्चन गलत लग रहे हो, ठीक है, तो आप उन पर भी ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, है ना। तो भाई ये आपके 5 से 7 फरवरी तक आप ऑब्जेक्शन लगाओगे, उसके बाद में अभी प्राइमरी आंसर की ये कौन सी है, प्राइमरी, ठीक है, अभी जो आई है ये प्राइमरी आंसर की है, इसके बाद में जब करेक्शन होकर के, यानी कि 5 और 7 के बाद में जो आएगी वो आएगी आपकी फाइनल आंसर की, कौन सी आएगी, फाइनल आंसर की, इसके बाद में आपकी जारी की जाएगी, उसमें कितने क्वेश्चन आपके माने जाते हैं कितने नहीं माने जाते वो तब पता चलेगा। ठीक है, अब मान के चलिए 13 क्वेश्चन आप ऑब्जेक्शन लगाए, 13 में से बोर्ड ने माने 2 ही, ठीक है, और अधीनस्थ बोर्ड है, बड़ा ही कह सकते हैं बड़ा विद्वान बोर्ड है, ठीक है, क्योंकि जब तक कोई भर्ती कोर्ट में ना पहुंचे इनको मजा ही नहीं आता है। ठीक है, जब तक कोई भर्ती कोर्ट में ना पहुंचे अधीनस्थ बोर्ड को चैन ही नहीं मिलता है। और देख लेना यहां जैसे कि कंप्यूटर निदेशक भर्ती है या और भी कोई भर्ती हो, ठीक है, क्योंकि भाई साहब महान बोर्ड है, बहुत ही महान महान बोर्ड है ये, आपके सिलेबस में जो चीजें देता है ना, सिलेबस में देता है वो सिर्फ पेपर में नहीं देता है ये, और जो पेपर में देता है ना वो सुसरा आपके सिलेबस में नहीं होता है। ठीक है, इतना खतरनाक बोर्ड है भाई साहब, मतलब कह सकते हैं ना कि दुनिया के जो विद्वान हैं वो पेपर सेट करने के लिए यहीं पर आते हैं। ठीक है, हाँ चलिए साहब, तो अगर आपके जो आंसर हैं वो अधीनस्थ बोर्ड नहीं मानता है तो फिर आपको रास्ता बचता है क्या, बर्बादी की तरफ ले जाने वाला, और वो है आपका एक कोर्ट का रास्ता। ठीक है, कोर्ट का रास्ता है, और आप फिर कोर्ट में जाकर के क्वेश्चन को दीजिए, और कोर्ट से भी मिलता है भैया बाबा जी का थल्लू। ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर के ये है कि अगर अधीनस्थ बोर्ड आपके क्वेश्चन मानता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अब यहां पर हम कुछ एक और बात बताते हैं, जैसे आप कोर्ट जाते हो तो भैया अच्छी बात है, आप कोर्ट जाइए, वहां आपके अगर आंसर माने जाते हैं तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, अच्छा, ऑब्जेक्शन लगाने के बाद में आपकी फाइनल आंसर की आएगी। अब इस फाइनल आंसर की के बाद में आपकी टाइपिंग कब होनी है कब नहीं होनी है, टाइपिंग के जब आपकी फाइनल आंसर की आएगी उसके बाद में आपके 3 गुने विद्यार्थियों को टाइपिंग के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, और उसी के साथ में आपके जो कट ऑफ है, कट ऑफ के साथ में ही आपकी वो आ जाएगी, जो स्टूडेंट सेलेक्ट किए गए हैं उनकी लिस्ट भी आपकी जारी कर दी जाएगी। इन चीजों के लिए आपके टाइपिंग कब होनी है, कितने नंबर वाले टाइपिंग करें, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है। ठीक है, आज हमने ये वीडियो डाली दी कि आपका जो ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन कितने हैं, भर्ती कोर्ट में जाएगी नहीं जाएगी। देखो भैया, इसमें राजस्थान में कई सारे धुरंधर व्यक्ति बैठे हुए हैं जिनका लगता है ना कि 1 नंबर 2 नंबर या आधे नंबर से रह रहा है वो, भैया कोर्ट भागता ही भागता है, उसको उम्मीद लगती है कि मेरा भला हो सकता है। ठीक है, तो जाता है जिसको, जिसने मेहनत की हो ना सीरियस, वास्तव में ही वो कोर्ट भागता है। ठीक है, मैंने जितने पापड़ बेले थे ना मेरे, मुझे ही पता है मैंने क्यों बेले थे। ठीक है, सिर्फ 0.40 नंबर कम पड़ रहे थे मेरे, है ना, और फर्स्ट पेपर में ही मेरे इतने नंबर थे कि भाई साहब जिनका सिलेक्शन हुआ है ना उनके दोनों पेपरों के जोड़ के नहीं है इतने, इतने फर्स्ट में ही आ रहे थे मेरे। ठीक है, चलिए, तो यहां पर
हमने कट ऑफ को लेकर के और हर टाइम टू टाइम आपको अपडेट दिया है, आपकी टाइपिंग कब होनी है, रिजल्ट कब आना है, ठीक है, इस चीज को लेकर के भी हमने पहले वीडियो डाल दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एंड स्क्रीन में या फिर आपके डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप बाकी की वीडियो देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।